गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम बहुत प्यारी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं। अपनी कविता शुरू करने से पहले हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमें तीन हंसते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं और हमारे भारत देश का नक्शा दिखाई दे रहा है जिसमें तीन रंग हैं। सबसे पहले केसरिया रंग, दूसरे नंबर पर सफ़ेद रंग, तीसरे नंबर पर हरा रंग दिखाई दे रहा है। बच्चों, यह तीनों रंग हमारे राष्ट्रीय झंडे में भी हैं। बच्चों, इन तीनों रंगों का अपना महत्व है। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। आओ बच्चों, अपनी कविता पढ़ें और जानें कि ये बच्चे हमें क्या बता रहे हैं। बच्चों, कविता का शीर्षक है मेरा भारत। भारत प्यारा देश हमारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, सारे जग से शान निराली, कण कण में इसके हरियाली। गंगा यमुना इसकी शान, भारत प्यारा देश महान। बच्चों, यह तीनों बच्चे हमें हमारे भारत देश के बारे में बता रहे हैं। कविता के शीर्षक से पता चल रहा है इस कविता में हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है। बच्चों, हमारे देश का नाम भारत है। हम सब भारत देश के निवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं। हमारा भारत देश बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, सबसे अलग है। भारत देश की शान पूरे संसार में सबसे अनोखी है, सबसे निराली है। भारत देश के कण कण में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। गंगा यमुना भारत देश की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। ये नदियां हमारे देश की शान हैं। हमारा भारत देश बहुत प्यारा है, बहुत महान है। आओ बच्चों, फिर से अपनी कविता को गाकर पढ़ें। भारत प्यारा देश हमारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, सारे जग से शान निराली, कण कण में इसके हरियाली। गंगा यमुना इसकी शान, भारत प्यारा देश महान। बच्चों, आप भी ऐसे ही इस कविता को गाकर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।